राम राम। और मैं आ गया हूँ यहाँ पे B142 42 और B742। ये शॉप नंबर है, दुकान नंबर है, और ये नारियल मंडी दिखाई दे रहे होंगे आपको। और आज यहाँ पे सुनसान दिखाई दे रहा है, जैसे कोई पंछी है ही नहीं, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि मौसम में काफ़ी चेंजेस हो गया है। और आज तारीख जो है 13 नवंबर 2024 बुधवार का दिन है। तो चलिए, आज इनके पास 3-4 गाड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं, और बाबूजी के पास हमेशा ज़्यादा गाड़ी का आवक रहता है, और यहाँ पे माल की ग्रेडिंग होके यहाँ पे पैकिंग हो रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं बाबूजी से आज का क्या भाव चल रहा है नारियल का, नारियल पानी का। तो बाबूजी इधर है। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार, कैसे हो बाबूजी? ऐसे में 3 गाड़ी है। ओके, ओके, तमिलनाडु से आया हुआ है। तो बाबूजी ये बताओ, आज ये गाड़ी का आवक कितना है? गाड़ी का आवक होगा 30 गाड़ी होगी। 30 गाड़ी, ओके। और आपके पास कितने हैं? हमारे पास 5। आपके पास 5 गाड़ियाँ हैं? ओके ओके, 1 2 3, एक आगे है और एक पीछे है, 5 गाड़ी। तो कौन सा गाड़ी है आपके पास? हमारे पास एक बटूर है, हाँ, एक विकोटा है, हाँ, और एक उधर बंगलोर है। ओके, एक आंध्रा खुली हुई है। वो आंध्रा लास्ट वाली है। ओके, तो सबसे पहले आंध्रा का बता दीजिए बाबू जी। आंध्रा बिक रहा 25 रुपये। 25 रुपये? ओके, एक तरफ से 25 रुपये। और कुछ भी नहीं है इसमें? 2 नंबर नहीं है? 2 नंबर भाई, लूट के ले जाओ भाई, पिलाओ पानी सारे लोग पियेंगे। और बाबू जी ये जो है कौन सा है? ये कुटूर। कुटूर का क्या रेट है? 40-42 रुपये बिक रहा। 40 रुपये एक तरफ से। और इसका 2 नंबर कुछ भी नहीं? 2 नंबर इसका निकलेगा। निकलेगा, क्या रेट है? 2 नंबर इसका बिका 25। 25 रुपये भाई, देखो ये 25 रुपये दे रहा है 2 नंबर, और बढ़िया माल 40 रुपये। देखो पेट निकला हुआ है, मतलब पानी भरा हुआ है। और बिकोटा क्या रेट है बाबूजी? ये बिक रही है 38 रुपये। 38 रुपये, ओके ओके। और एक तरफ से नहीं, ये ओके 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 ओके। और ये इसका परचून? इसका परचून जो था इसका 2 नंबर। 2 नंबर क्या रेट है? 26 रुपये 2 नंबर भाई, देखो। और जो बेंगलोर आ रहे हैं? बेंगलोर बिक रहा है आज 52 से 55। 52 से 55 रुपये परचून? परचून भी 55। 55 ही है, 55 बिका नहीं ना, जब टेम्पो 52 ही बिका ज्यादा। ओके ओके ओके। और 2 नंबर का? 2 नंबर उसका भी 30 रुपये। 30 रुपये, तो आप आओगे तो 1-2 रुपये का अंतर हो सकता है, ऊपर नीचे हो। हाँ, इसके लिए हमें मत बोलिएगा, क्योंकि गाड़ियाँ चेंज होते हैं, ग्राहक चेंज हो जाते हैं, ग्राहक का आवक ज़्यादा होगा, चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबू जी ये बताइए और चीज़, आज मौसम वेदर अचानक से चेंज है, इसके लिए क्या रेट डाउन हो रहा है? डाउन हो जाएगा, जैसे ऐसे रहा ना मौसम, हाँ, तो रेट आगे डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा, ओके ओके ओके। तो धन्यवाद बाबू जी, कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। 9315-22267-8800-12155-15। तो दिए गए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। तो बाबू जी नंबर आपका 142 नंबर जो 142-742, ये आपका ही है? सब अपनी है। ओके, धन्यवाद बाबू जी। ओके भाई को राम राम। और मैं 7 नंबर शहर में सरीपे वाले बाबू जी के पास आ गए हम, और यहाँ पे दिखाई दे रहे शरीफा और MST बजरंगी फ्रूट। तो यहाँ पे देखो राजा भैया है उधर, और यहाँ पे लवली भैया जी इधर है, और सचिन भैया जी भी है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो बाबू जी बताओ आज ये गाड़ी कितना है? 600 रुपये। बेहिसाब है ना? ये माल हमारे, वही आपका है। देखो तो क्या रेट चल रहा है आज? आज मार्केट डाउन नहीं है, 500 रुपये चल रहे हैं। 500 रुपये, ओके। 500-450 भाई। देखो तो भाई देखो ये टॉप माल है, और आप आओगे तो 150 रुपये ऊपर बताया जाता है। 40 रुपये उतना तो मोटा मोटा, जो का तो मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। 20-30 रुपये ऊपर ले चलो, वो तो बोलना ही पड़ता है, नहीं तो ग्राहक ऊपर बोलते ही नहीं बोलते हैं। ओके ना, ग्राहक को 10-20 रुपये ऊपर नीचे कर। हाँ, 10-20 रुपये डाउन हुआ तो 50 रुपये। ओके ओके गाइस, देखो जो बात कहना है सच कहना, सुखी रहना। तो आने वाले टाइम पे क्या देख रहे हो, और भी डाउन होगा या यही रेट? माल कम हो जाएगा ना। ओके, कितना दिन में? हफ्ते में। ओके ओके ओके। तो कांटेक्ट नंबर भी दे दीजिए। 9910912803 बजरंगे बोर्ड MST शेड नंबर 7 में, और बोर्ड लग रहा है, और भाई जी का नाम लिखा होगा तो बताइए। 10-20 रुपए का कई जने आगे फायदा उठा गए भाई साहब, आपको बताओगे इस बारे में। ओके ओके ओके।
ना हमें तो बताते नहीं है फायदा उठाने के बाद। ये बात सही कह रहे तुमने, जाते कई दिन ओके एक बार ऑर्डर पे भी आया कि भैया पहले रेट कर लेते हैं फिर बाद में करें। हमने आपकी वीडियो देखी थी, आपने बोला था आकर के तो मुझे शर्मा शर्मी 50 रुपए डब्बा फिर कम ले, वो डालते 50 रुपए कम है फिर बाद में मुझे कम डालते हैं। और ये जो आपका ये मौसम चेंज हो गया क्या कहना चाहिए? हुआ है मौसम चेंज हो गया, मौसम ठंडा है लेकिन पॉल्यूशन उससे ज्यादा है। लोग सोच रहे फोग है, फोग नहीं है ये पॉल्यूशन है सारा, ये पॉल्यूशन है। चाय और मौसम आपको तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो, सही लोग तो यही करेंगे आज। तो मैं फिर से आ गया हूँ लक्ष्मी फ्रूट वालों के पास 571 पे और यहाँ पे खरबूजा आ गया है आज। हाँ तो देखो खरबूजा निकाल के चेक आउट कर रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी का आवक मैं दिखा देता हूँ। गाड़ी का आवक है 20 ट्रक है आज अनार के, और 8 है नासिक के, गुआबा है 7 और बाकी मिक्स होता है और 4 काबुल है, 1 कर्नाटक का है। कर्नाटक का रेट आपको बता दिया गया है हमारे दूसरे चैनल पर। और यहाँ पे देखो तो भैया जी सबसे पहले ये बताओ कर्नाटक का जो माल आ रहा है वो क्या रेट है, आपसे भी पूछ लेता हूँ। कर्नाटक का माल मेरे से 1700-1800 रुपए रेट होगा। ओके क्योंकि वो फुल चमक और फुल क्वालिटी वाला माल। बिल्कुल 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 फुल चमक में आ रहा है ना माल। ओके और उसका छोटा साइज में? छोटा साइज मान के चलो 1000 रुपए के आसपास। ओके ओके 1000 के आसपास। ओके तो भैया जी ये बताओ ये जो है नासिक का ये हल्का सा 19 वाला माल है ना? हाँ ये 19 वाला माल है और ये ठीक ठाक माल है। ये बढ़िया माल है भाई, देखो कलर से पता चलता है इसमें चमक ज्यादा है, इसमें हल्का सा चमक कम है। ये चित्री है, निशान बना हुआ है। ओके ओके इसमें चमक देखो भाई, बिल्कुल चमक। ओके शाइनिंग वाला माल है। तो इसका क्या रेट है? इसका रेट लगेगा ये 650-600 रुपए के आसपास दिखेगा। उसी हिसाब से 100-100 रुपए ऊपर, उस हिसाब से 100-100 ऊपर 750-850-850 1000-1200 रुपए भी हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू डील जो लोग आएंगे, ग्राहक आएगा वो क्या डील करेगा कैसे करेगा वो उसके ऊपर निर्भर है। हाँ 150 रुपए ऊपर नीचे होता ही है। ओके और ये इसका क्या रेट है मिक्स में? ये मिक्स माल है 550-550 रुपए। ओके और इसके बाद ये वाले? ये बिकेगा 650-700 रुपए के आसपास। ओके 700-900-1100-1300 क्या बताओ 1400 भी बोलते हैं आपको। भैया जी आप आके बातचीत करोगे तो सही रहेगा, सही बात है ना? सही बात। ओके तो चलते चलते किसान भाइयों को खरबूजा भी है। ओके खरबूजा भाई देखो 800 रुपए का दिख रहा है। 800 रुपए। ओके ओके गाइस देखो ये सजाया जा रहा है, तो ये दुल्हन के तरह जैसा इसलिए सजाया जाता है आप धोखे में रहो और माल खरीदो, सही बात है ना? नहीं वो देखो कोई भी चीज ले जाते तो उसकी बेकदरी नहीं होनी चाहिए। ओके ओके कदर से जाएगा तो वो अच्छा बिकेगा। ना, अच्छा ना भैया जी मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो यही सिखाया गया ना, मैं तो मुझे मंडी का क्या तो पता है? पड़ता है ना अगर हाँ, सैंपल नहीं बनाएंगे हाँ, आप बताओ दुल्हन को बिगर सजाए लेके जाएंगे तो उसे कौन शादी करेगा? वो लोग ने अपने मन में ना एक धारणा बना चुका है ना। वीडियो बननी हो कैसे बनेगी वीडियो? आप कैसे वीडियो बनाओगे? वीडियो बनाओगे? हम तो देखो हम तो सारा नॉर्मल दिखाते हैं, सच बोलते हैं, सुखी रहते हैं। लोगों को असल में ना एक थोड़ी बहुत सजावट तो होती है ना जब हम किसी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे सज धज के लाइटिंग का माल मिलता है। भैया जी घर पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे लाइटिंग थोड़ी होती है। भैया जी आपका बिजनेस करने का तरीका है, मगर जो किसान जो माल लाते हैं ना वो रॉ मटेरियल एक तरफ से दिखाता है या नहीं है? वो भी सजा के बेचता है डब्बे के अंदर? नहीं 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 नहीं, मैं ट्रक की बात बता रहा हूँ। हमारा काम है इसीलिए मैं बताया, जब वो पैकर बिठाता है तो उसको बोलता है मुंडा लगाओ। ओके मुंडा मतलब मुंह लगाओ। ओके मुंह लगाओ बढ़िया से सजा के भेजो ताकि उसका व्यवहार अच्छा बिके, अच्छा बिकेगा तभी होगा। भैया जी उनको आप लोगों ने सिखाया गया है बिजनेस? रही बात आपकी रिटेलर की, जो माल खरीदते हैं हमसे जो ले जाके 2 किलो 3 किलो 1 किलो बेचते हैं उनमें क्या होता है कि वो जब हम यहाँ से लेके जब यहाँ से हम बेचते हैं माल को तो 20 वाला माल वो सीधा 80 रुपए होता है, फिर वो पूरी रेडी में से छाट के माल खरीदते हैं क्योंकि वो 20 वाला माल 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए बिकता है। ओके ना जैसे कि किसान जो खेत में उगाता है उसको जब माल दिखाया जाता है वो जो दिखाते हैं हाँ पूरा खेत दिखा देते हैं, उसमें छोटा बड़ा सारा कुछ दिखता है। क्वांटिटी के हिसाब से होता है ना, हाँ क्वांटिटी ज्यादा लेता है आदमी और वो रेट कम लेता है ना हमारा। तो वही जब हमारे पास आता है तो हम एक डब्बा दिखा के माल बेचते हैं और यही जब जो नीचे वाले लेके जाते हैं तो हाँ, पूरी रेडी पे खोल कर दिखा के बेचते हैं। हाँ, ना लोगों को कुछ लोग जो कहते हैं ना अरे बढ़िया माल दिखाओ बढ़िया माल, मैं सबको कहता हूँ बढ़िया माल आप आओगे तब देखोगे, सही बात है या नहीं है? हाँ आपको क्या है आपको दिखाने के लिए ये सजा के तो दिखा दिया, अंदर क्या माल है मुझे पता नहीं है। अंदर भी अच्छा होगा ना जैसा ऊपर वैसा नीचे। ओके ओके अच्छी बात है, आप तो धोखा नहीं करते मगर 70% तो लोग नहीं, कोई भी धोखा नहीं करता होगा, जो आड़तदार होगा वो धोखा नहीं करेगा। ओके बाकी जो मासाखोर जो बेचते होंगे जो लकड़ी बाज होंगे जो जो मतलब दिखाते कुछ देते कुछ तो वो अलग अलग ना ऐसा केसेस बहुत मिलते हैं ना, बिजनेस करना है वो ऐसा काम नहीं करेगा ना। भैया जी क्या करें केसेस ऐसा मिल जाते हैं मुझे, लोग फोन करके बोलते हैं तो भैया जी हमें तो ऐसा धोखा हो गया आप हमें बताओ। बढ़िया उसके खिलाफ
उसके खिलाफ पर्ची होगी, एपीएमसी में कंप्लेन करो, पुलिस में कंप्लेन करो, बिल्कुल अपना भी पैसा रिटर्न करेगा, पूरा रिटर्न करेगा पैसा, उसका एड्रेस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ओके ओके, तो गाइस देखो ऐसे होता है, देखो अभी भैया के साथ मैंने बातचीत किया तो भैया ने नॉलेज दिया, जानकारी दिया, ऐसे हल्का सा बहसबाजी चलना चाहिए। अगर अगर कोई किसी के साथ धोखा करता है तो उसके लिए लो है। okay. और लो पूरे देश के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, तो वो उन जनता के लिए भी जिनके साथ धोखा हुआ है। ओके okay. तो सबको कहना चाहूंगा थोड़ा जागो, कंप्लेन करो। हाँ कंप्लेन करो, हमारी एपीएमसी मंडी है, हाँ पुलिस है, हाँ कानून है, कानून है, सब मिल के साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हल्का सा दौड़ भाग करना होता है तो सब कुछ मिलता है ना। भिल्कुल, भिल्कुल। तो कांटेक्ट नंबर क्यों करना है, वो यहाँ पर आओगे कंप्लेन करोगे तो एक बार में समझ जाएगा कि ये मेरे खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी, ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा, तो तुरंत पैसा रिटर्न करेगा। ओके ओके ओके, लेकिन उसके लिए बोलने वाला होना चाहिए ना सामने, बोलना भी तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने माल देखा था सोना और मुझे दे दिया पीतल। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सोना देके सोना दिया है 19-20 का अंतर होता है। मैंने आपको जैसा बताया माल सजाने में और माल बिकने में थोड़ा सा अंतर होता है, 19-20 का अंतर होता है, क्योंकि जब सजने के बाद वो बढ़िया हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों तो वैसा होगा, लेकिन जो रेगुलर ग्राहक लेने वाले हैं वो इन चीजों पे नहीं देखते, उनको पता होता है कि ये 20 है और आगे 19 निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मालूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो भैया जी कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट नंबर है 9911111449। तो काफी भाई लोग बोलेंगे आज बहुत बकचोदी कर लिया, मगर जो लोग समझदार है ना तो इस बात को समझेंगे भी। थैंक यू भैया जी, अच्छी बात सीखने को मिली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आ गया हूँ फिर से आजादपुर मंडी 16 नंबर शेड पर, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीएनआर, दिखाई दे रहा है, देखो ये बीएनआर नहीं रेड डायमंड है, सॉरी यहाँ, और बीएनआर भी होगा इधर ही, और रेड डायमंड बहुत ही ज्यादा मात्रा में आया हुआ है लग रहा है मुझे। और बाबूजी इधर बैठे हुए हैं, तो चलिए बाबूजी से पूछताछ करते हैं क्या भाव है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये है बीएनआर वगैरह, जो बीएनआर व्हाइट वगैरह होगा ना, सही बात है ना। तो आइए बाबूजी से पूछते, बाबूजी कैसे हो, तो आज कितनी गाड़ी का आवक है? आज तो बहुत सारा माल आया। कितने? रतलाम के आया 8 गाड़ी। ओके ओके, तो और 10 गाड़ी 15 गाड़ी ये भी आया है नासिक का। नासिक का भी है, 1200। ओके ओके, तो क्या भाव है आज? भाव 30 रुपए से 45 रुपए। कौन सा? बीएनआर। बीएनआर और दोनों ओके, और नासिक भी और बीएनआर भी। ओके, मैं पिक ताइवान भी 40 रुपए। ओके ओके, और रेड डायमंड? सब ये रेट है, घूम फिर के रेड डायमंड 40 रुपए। 40 रुपए, भाई देखो हल्का दागी का शिकायत है ना। हाँ हाँ ये बात। ओके ओके, आएंगे आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को? किसानों को तो यही कहना चाहेंगे अभी माल को रोक के चले, क्योंकि बहुत रेट डाउन है, बहुत रेट डाउन है। हाँ बहुत रेट डाउन है। ओके, तो 30 रुपए में किसान को कुछ नहीं बचता है इसके अंदर, किराया भाड़ा भी है, डब्बा भी है, लेबर भी है, एक जाली भी है, पिन्नी भी है, बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा, किसान को भी कुछ नहीं बचा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। ओके, तो आप जी कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। 9860-41312 हरीश कुमार, सी एम एस। तो दिए गए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद बाबू जी। फ्रूट एजेंसी पे आ गए हम, और यहाँ पे दिखाई दे रहे माल्टा, और यहाँ पे देखो गाड़ी है, तो चलिए। और हमारे दूसरे वाले चैनल पे ये जो है आ रहा है, नया गाड़ी आया हुआ है, नया माल है मौसम्बी का, इसका भी रेट बताएंगे, दूसरे वाले चैनल पे जाइएगा और इसमें भी रेट बताए जाएंगे। और यहाँ पे देखो भाई, ये देखो माल है, बहुत ही बढ़िया साइज है, चमकदार होता है और बैक्स किया हुआ होता है, मतलब इसको पॉलिश लगाया जाता है। ये रेड माल्टा है, रेड माल्टा। ओके, कौन सा? रेड माल्टा। रेड माल्टा लाल है अंदर? लाल है अंदर, मीठा होता है। ओके, ये रेड माल्टा है भाई। हाँ ओके, ये देखो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाबूजी से जानकारी लेते हैं। तारीख आपको बता देता हूँ, 13 नवंबर 2024 बुधवार का दिन है, और बाबूजी इधर दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए बाबूजी से पूछते हैं और क्या भाव है। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार बेटा। तो बाबूजी क्या कहना चाहेंगे, ऐसा मौसम हो गया है, धुंध हो गई है सारी दिन में, ग्राहक ही नहीं है, धंधा धुंध देख के और ग्राहक है, और मंडी में जाम लगा पड़ा है हद से ज्यादा। ओके, तो ग्राहक निकला ही नहीं। तो बाबूजी ये जो धुंध है पूरा दिल्ली में है या? दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही है, मतलब ये पोल्यूशन भी हो सकता है। ओके ओके, तो बाबूजी बताइए आज गाड़ी कितना है? गाड़ी मेरे माल्टे की 12 गाड़ी लगी है। और किन्नो जाम लगा पड़ा, जाम में गाड़ियां हैं। ओके ओके, जाम पे गाड़ियां हैं। और ये मौसमी की? मौसमी की आज फिर गाड़ी 2-3 में लगी है, बाकी जाम में लगी पड़ी है। ओके ओके, जाम में है। तो बाजार जाम के कारण कितना व्यवस्था खराब हो गया है?
रास्ता बहुत खराब हो गया, ग्राहक ही नहीं निकला, जाम पर माल ही नहीं जाता, उसका पहुंचता ही नहीं। ओके, माल ही नहीं जाता, बिक्री नहीं हो रहा है और धीरे धीरे लग रहा है ये हफ्ता खराब होने का चांसेस है। ओके, तो सबसे पहले बाबू जी मौसमी का रेट बता दीजिए। मौसमी का रेट यही है, समझो एक नंबर तो बिका 60 रुपए का, 2 नंबर 58 रुपए। ओके, 3 नंबर 54 रुपए। ओके, 4 नंबर? 4 नंबर है 42। 42। 5 नंबर? 5 नंबर बिका बेटा 24 रुपए। ओके। और ये जो आपका चूरा आ रहा है, चूरा बिका 86 रुपए। और पीला तो आ नहीं रहा होगा? पीला भी निकल रहा है, 50-12 घंटे निकलते हैं। ओके। ओके, गाइज आपको मौसमी का रेट पता चल गया है, आप आओगे तो 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, बिक्री में हल्का सा सुस्ती आ गया है जाम के कारण। तो अभी आइए माल्टा पूछते हैं, तो बाबू जी माल्टा बता दीजिए। माल्टे का भी 3 नंबर बिका 45-46 रुपए। 1 नंबर? 3 नंबर। 1 नंबर बता दीजिए बाबू। 1 नंबर बिका बेटा 50 रुपए। 2 नंबर? 52 रुपए। 3 नंबर का? 3 नंबर बिका 45-46 रुपए। ओके, 4 नंबर का बाबू जी? 4 नंबर बेटा 38। ओके, 5 नंबर? 5 नंबर 28। और पीला? पीला ये बिका 35 रुपए। और चूरा? चूरा भी ये निकल नहीं रहा, चूरा वही बिका। ओके, चूरा निकलता ही कम है। तो गाइस देखो ये अंदर लाल वाला होगा ना बाबूजी? लाल वाला, रेड वाला माल है। और ये नया आया हुआ है ना? नहीं, नया पुराना ही माल है। पुराना ही माल है। ओके, अभी रेड हो गया है। ओके, तो ये बात एक बात बताइए, जैसे अभी बाजार हल्का सा डिले हो गया है, मतलब माल जा नहीं रहा है, तो इससे किसको घाटा आएगा ज्यादा? ज्यादा हमारे को ही घाटा, फिलहाल तो अभी घाटा हमारे को, जो माल ले रखे हैं उनसे घाटा ही होना है। ओके, तो बाकी किसान माल चोरा होके बैठा हुआ है, किसान माल तेज कर रहा है। ओके, वहाँ भी बाजार गिरेगा, यहाँ गिरेगा, तो वहाँ भी गिरेगा पीछे। ओके, यहाँ पे भी गिरेगा और वहाँ पे भी गिरेगा, ये ग्राहक कम होता जाएगा। ओके, तो सभी को एक बात बताना चाहूंगा, मैं पर्सनल राय दे रहा हूँ, बाबू जी बताइएगा, जो अभी गाड़ी ना भेजे तो सही है ना, क्योंकि गाड़ियाँ जाम लग रही है। क्या बताओ आपका लग रहा है जाम में, पता नहीं कितनी गाड़ी है, पता है आने वाले टाइम में लग रहा है, जो रेट कम होने का संभावना है। तो बाबू जी चलते चलते कॉन्टेक्ट नंबर 9-10-75-26। तो दिए गए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद बाबू जी। तो गाइस देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आप लोगों को जो मैं राय दिया हूँ वो आपने हिसाब से देख सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे जाम बहुत लगते हैं, दिल्ली मंडी के अंदर बहुत खतरनाक जाम है, और आप आओगे तो 10-12 घंटा डिले होगा तो क्या फ़ायदा, आपका माल रेट कम हो जाएगा तो क्या फ़ायदा, तो इसीलिए बताया जाता है। और किसी भाई को अगर बुरा लगे तो सॉरी भाई, मैं सॉरी बोल सकता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। We'll be right back.